गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आशीष और आप देख रहे हैं आशीष डॉट इन। चलिए बात करते हैं, जैसे कि हमने पिछले हफ्ते बताया था कि हमारा जो सपोर्ट एरिया था वो था 17,395, मतलब ये लगभग, सॉरी, 17,395 का था, हाँ लगभग इस एरिया पे हमने एक सपोर्ट ड्रॉ किया था और एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था लगभग इस एरिया में। तो इस एरिया में हमने एक स्ट्रेंगल बनाया था। वो क्यों बनाया था? क्योंकि हमारा जो रीजन था वो था जो इंडिया विक्स का स्लोप है वो डाउन ट्रेंड है, मतलब इंडिया विक्स डाउन ट्रेंड में चल रहा है और जो टाइम जो है, मतलब हफ्ते का बस 3 ही दिन बचा है, 8 अप्रैल के बाद बस 3 ही ट्रेडिंग सेशन बचा है। तो इसलिए थीटा डीके और वेगा ड्रॉप का फायदा मिलेगा। इस चक्कर में हमने एक स्ट्रेंगल बनाया था। स्ट्रेंगल ये 2 लेग्स का था, 17,400 का था और 18,200 का एक स्ट्रेंगल था, लगभग मैंने 5-5 लॉट से बनाया था। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो कि हाँ, निफ्टी लगभग इसी रेंज में क्लोजिंग दिया है, भले ही मैंने इनको प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए मैंने शिफ्ट अप किया, पहले दिन इतना ड्रॉप किया, सी को इतना मैंने ड्रॉप किया, उसके बाद दूसरे दिन सी को इतना ड्रॉप किया और फाइनली आज जो इंट्राडे में मैंने किया लगभग इतना क्लोज में आ गया था। यहाँ तक कि यहाँ से भी ज़्यादा मैं क्लोज, इतना कम छोटा स्ट्रेंगल मैंने बनाया था और लगभग बहुत ज्यादा शिफ्टिंग के बाद हमने अर्न कर लिया 20,000 रुपए, 20,000+ के आसपास हमने अर्न कर लिया। ये रहा मेरा ऑर्डर बुक जो सुबह से आप देख सकते हो, 18,100, 17,950, 17,800, 17,750, 17,750, 17,750, काफी ज्यादा मैंने शिफ्ट अप कर करके, रोल डाउन कर करके हमने हमारा प्रॉफिट नीचे कर लिया। ये ऊपर वाला कंसिडर ना करें, ये दूसरा ट्रेड है, ये सिर्फ जो हमारा हॉलीडे है, 4 दिन हॉलीडे है, उसको मैंने बस ओवरनाइट थीटा डीके खाने के लिए एक आयरन फ्लाई बनाया, तो उसको ना करें। यहाँ पे लगभग 13,900 का एक प्रॉफिट है और हफ्ते का जो मंडे और मंगलवार को प्रॉफिट हुआ था उसका है ये 10,000 जो हमने शिफ्टिंग किया था उसका। ये दिखा देता हूँ थोड़ा रिफ्रेश करके, मेरा ये एडिट नहीं है जी, ये रहा। तो लगभग हमने अर्न कर लिया 8 लाख कैपिटल पे, लगभग आपका 20,000 होता है 2.5% के आसपास, हमने एक हफ्ते के हिसाब से अच्छा अर्न किया है। तो लॉजिक बस सिंपल था मेरा, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है। आप साइकोलॉजिकली सोचो, अगर मतलब ध्यान से आप सोचो कि अगर हॉलीडे है, मतलब ट्रेडिंग सेशन कम है, तो बड़ा प्लेयर क्या कर सकता है, थीटा डीके के लिए जा सकता है, सिंपल सी चीज है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और जो हमारा, जैसे कि हमारा जब हम नीचे के साइड में जब आ रहा था, यस कि आप एक ब्रेक डा, मतलब एक ट्रेंड लाइन ब्रेक मान सकते हैं इसको, इसको एक ट्रेंड लाइन ब्रेक मान सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमने एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेड इसलिए लिया कि जो हमने ब्रेक डाउन हुआ था वो कैंडल बहुत छोटे छोटे थे, इसीलिए हमने, हमको पता था, पता नहीं था, मतलब एक अनुमान लगाया था, एक्सपीरियंस के हिसाब से अनुमान लगाया था कि नेक्स्ट सपोर्ट जोन तक ये जा सकता है या इतने रेंज में घूम सकता है, तो हमने एक स्ट्रेंगल बनाया था। तो आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ताकि हम आगे भी ऐसे वीडियो लाता, मतलब आता रह सकूँ मैं आपके लिए, और हर हफ्ते एनालिसिस वीडियो आता रहेगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।